आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉपी पेस्ट पर काम करके एक स्टोरी वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल से लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपने टॉपिक, हमारा टाइटल, थंबनेल सब कुछ देख लिया होगा अभी तक, और इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ पर किस टॉपिक पर बात करेंगे। आज की वीडियो हम बात करेंगे कॉपी पेस्ट के ऊपर, जिसमें आपने क्राइम स्टोरीज लोगों को बतानी है, और इसमें आपकी कोई भी मेहनत नहीं लगेगी, ना ही आपने स्टोरी लिखनी है। आपको स्टोरी फ्री में मिलेगी नेट से, आपने वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर भी कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, आपने एआई वॉइस को यहां पर जनरेट करनी है, वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। और मेरे ख्याल से आपने स्टोरी स्टार्टिंग में आपको सैंपल लगा चुका हूं मैं, आपने वो सैंपल देखे आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं किस टाइप की स्टोरी की बात कर रहा हूं। और मैं सिर्फ इसी कैटेगरी को यहां पर क्यों ले रहा हूं, मेरा एक दोस्त है वेस्ट बंगाल का, वो इसी कंटेंट पे काम करता है और अच्छा खासा यूट्यूब से कमा रहा है। और अगर आप इस कंटेंट को पकड़ते हैं, इस कंटेंट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि देखो एक बार कोई बंदा इस वीडियो को देखने लगेगा ना तो उसका इंटरेस्ट बढ़ते ही जाएगा और वह कंटिन्यू पूरी वीडियो आपकी देख लेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा आपकी वीडियोस में। क्राइम और इस टाइप की वीडियोस को देखने में लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कहाँ से आपने कंटेंट लेना है, यानी कि आप कहाँ से वो क्राइम स्टोरीज को उठा सकते हैं। और इतनी क्राइम स्टोरीज आपको मैं यहाँ पर माध्यम बता दूंगा ना कि आपकी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन ये स्टोरीज खत्म नहीं होंगी, यानी कि आपको कंटेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। मैं आपको 100, 200, 400 कंटेंट तो आज के ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा कहाँ से आप ले सकते हैं, और उसके बाद इसमें आपने कैसे उस टैक्स को निकालना है, कैसे आप उस टैक्स से वॉइस ओवर कर सकते हैं, यानी कि खुद की वॉइस नहीं, आप एक एआई वॉइस को कैसे जनरेट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, कैसे आप एडिटिंग कर सकते हैं और कैसे आप इससे यहाँ पर रैंक कर सकते हैं, सारा कुछ बता दूंगा। और जो लोग थोड़े से भी समझदार होंगे ना, मेरी बातों पकड़ लेंगे ना, वो आज से ही इस कैटेगरी पे, इस कंटेंट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे और एक महीने के अंदर अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करके उसकी पेमेंट भी ले लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब तो मारो। देखो सबसे पहले जो कॉपी पेस्ट आइडिया होगा ना, उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आपने एक ऐसी चीज पे वीडियो बनानी है जिस पे लोगों का इंटरेस्ट आए। अब लोगों का इंटरेस्ट किस चीज पे आता है, या तो वो किसी के बीच की भसड़ को देखना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा इस टाइप का, यानी कि वो दूसरे के कलेश में इंटरेस्ट लेते हैं। अब कलेश किस टाइप का हो, या तो कोई प्रैक्टिकली कलेश हो, यानी कि दो बीच के गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है उसको देख रहा हूँ, या फिर एक गुट ने दूसरे गुट को खत्म ही कर दिया, कुछ क्राइम टाइप का ऐसा हो चुका है जिसमें लोगों को इंटरेस्ट आता है। इसमें एक सस्पेंस ही बना रहता है, डर भी बना रहता है, सारा कुछ होता है। अब आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर लेनी है क्राइम स्टोरीज पर वीडियोज बनाना है, समझे इतना बात, आपने क्राइम स्टोरी लेनी है और उन पे यहाँ पर वीडियो बनानी है। कैसे, देखो आप जाएं क्रोम ब्राउजर में, जैसे हम क्रोम ब्राउजर में जाते हैं, यहाँ पर हम गूगल में सर्च करें क्राइम स्टोरी इन हिंदी, जैसे आप ये सर्च करते हैं, देखो हम सर्च करते हैं दोबारा से, आपके सामने बहुत सारे आर्टिकल आएंगे। ये इतनी स्टोरीज हैं ना, इतनी स्टोरियाँ हैं, मेरी बात मानो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये स्टोरियां खत्म नहीं होगी, क्योंकि देखो क्राइम डेली कुछ ना कुछ हो रहा है और डेली कोई ना कोई स्टोरी बन रही है। आप वो स्टोरी लोगों को बता सकते हो, लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलेगी, साथ में लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा जानने में। अब मान लो जैसे हम पहली वेबसाइट ले लेते हैं, एक क्राइम तक वाली वेबसाइट, इसको ओपन करते हैं, तो इसी के अंदर देखो आप कितनी सारी स्टोरी मिल गई, एक वेबसाइट के अंदर अब बहुत सारी स्टोरी मिल जाएगी। तो इतनी सारी स्टोरी है ना, ये सिर्फ एक पेज है, आपको अलग अलग पेज मिलते रहेंगे, तो लोड होते रहे, पेज नीचे को सरकाते रहे, खत्म होने का नाम ही नहीं है। आप कितनी स्टोरी ले लोगे, अभी तक मैं करीब करीब 50 से 100 स्टोरी तो आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ, और एक ही वेबसाइट के अंदर अगर आप सब पे काम करोगे तो सोचो आप लोगों का कितना कंटेंट है। अब मान लो आपके पास कोई भी एक स्टोरी ले लेते हैं, जैसे आपको इतनी स्टोरी मिली है, तो इसमें से मान लीजिए कोई भी एक ये ले लेते हैं। अब हम जैसे आजम खान कोई है, इसकी क्राइम स्टोरी पर हम वीडियो बनाना चाहें, अब यहाँ पर देखो पूरी स्टोरी नीचे लिखी आ रही है। अब आपने कॉपी पेस्ट करना है, आपने अपनी कोई मेहनत नहीं करनी है, ना आपने कोई अपना वॉइस ओवर देना है। अगर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ में भारीपन है, ठहराव है, तो आप खुद का वॉइस ओवर करो, सबसे बेस्ट है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदा है। अगर आपकी आवाज़ मेरी जैसी है, यानी कि आवाज़ में दम नहीं है, एक नॉर्मल आवाज़ है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको चाहिए होगी एक वेबसाइट की जरूरत, मैं वो वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिस्प्ले में शो करा दूंगा, ये वो वेबसाइट रहेगी।
इस वेबसाइट में जाएंगे। अब ये वेबसाइट आप क्या काम करेगी, सबसे पहले जो आपने ये आर्टिकल लिया, आपने इस आर्टिकल का लिंक कॉपी करना है, यहां से लिंक कॉपी कर लेंगे। अब इस लिंक को आपने डालना है इस वेबसाइट के अंदर, यहां डालेंगे। इससे ये फायदा ये होगा ना, जो आपकी स्टोरी है अभी तक जो आपकी स्टोरी थी, देखो ये स्टोरी थी ना, इसमें आपने इसे कॉपी मारना है। सबसे पहले आपने इसे टेक्स्ट को उतारना है, तो बीच में फोटो है, कोई एड है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आपको काम की नहीं है, ये चीज़ आपकी काम की नहीं है, तो आपको इसको नहीं चाहिए। आपको सिर्फ जो स्टोरी का टेक्स्ट है वो चीज़ चाहिए। तो इससे क्या होगा, देखो आपकी स्टोरी का पूरा टेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा। अब ऐसे ही आपको देखो बैक मारेंगे, इसके अलावा आपको और भी स्टोरी है, देखो कौन सी स्टोरी, ये पंजाब तिहाड़ जेल से भागा कैदी वाली स्टोरी है, जिसमें का हर हिस्से में नाखून खरोंच थे, ये एक स्टोरी है, इसकी भी आपने स्टोरी निकालनी है। तो आप देखो दोनों चीज़ कर सकते हैं, आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं भी, आप यहाँ से अगर डायरेक्टली कॉपी मारना चाहते हैं ऐसे, आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लिंक कॉपी कर सकते हैं, ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे। अब इस लिंक को डालेंगे आप यहाँ पर, इस वेबसाइट में जानेंगे, डालेंगे यहाँ पर, पेस्ट करा, गेट बॉडी टैक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका जो इस आर्टिकल का टैक्स होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आ चुका। अब आपने देखो दोनों तरीके मैंने बता दिया, आप दोनों से यहाँ से इसका टैक्स उतार सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस टैक्स को लेंगे और आपने एक और वेबसाइट भी जाना है जहाँ से आप AI जनरेटेड वॉइस को आप बनाएंगे, यानी कि आपने खुद का वॉइस ओवर नहीं करना है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की वॉइस को यहाँ पर लेनी है। वो वेबसाइट कौन सी होने वाली है, अब AI वॉइस जनरेट करने के लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, वो वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप सिंपली ये वेबसाइट है elevenlab.io नाम से है, आप ये वेबसाइट कुछ ऐसी मिलेगी आपको, आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो आपने टैक्स बनाया था वहाँ पर, जैसे ये हमने जो लिंक डाला था उसके देखो पूरा यहाँ पर टैक्स आ चुका है। अब ये टैक्स आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी में क्लिक करके टैक्स को कॉपी कर लेंगे। अब जो ये टैक्स था, ये शब्द थे, ये कॉपी हो चुके हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं और इस वेबसाइट से भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे आप इस वेबसाइट के अंदर, इस वेबसाइट में देखो आपको अलग अलग लैंग्वेज मिल जाएगी, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए आपकी जो लैंग्वेज आपको चाहिए। अब नीचे देखो आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड फ्री लिखा रहा है, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ से सबसे पहले अपनी कोई भी एक जीमेल से आप यहाँ पर साइन इन कर लेंगे, यानी कि अकाउंट बना लेंगे, कोई भी एक आपने मेल आईडी से आप कर लेंगे। मैं अपनी एक मेल आईडी को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें अपना अकाउंट मैं बना लेता हूँ, मेरा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है, अब यहाँ अकाउंट बन गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लोडिंग ले रहा है, लोडिंग कंप्लीट होने देते हैं, ये पेज को रिफ्रेश मार लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो कुछ सेटिंग्स आ रही है, इन सेटिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो आप यहाँ पर टैक्स की जगह में डाल देंगे वो टैक्स। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा रहा है, देखो आप कम से कम मतलब मैक्सिमम 2500 शब्द एक बार में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि उनको AI वॉइस में जनरेट कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, सबसे पहले देखो 25 अर्चना तक पहुंचा, इसके बाद का टैक्स आपको पता कि यहाँ तक का मैंने कॉपी मैंने वॉइस बना लिए, अगली बार इसके बाद का बनाइए, फिर इसके बाद का बनाइए, ऐसे आपने 2500 कर करके आपने पूरे आर्टिकल को वॉइस आपने बना लेनी है। अब यहाँ पर देखो आप ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी आवाज़ें मिल जाएंगी, आप किसकी आवाज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप चाह सकते हैं यहाँ। लेकिन आप देखो आपकी स्टोरी कभी होगी लड़की की तरफ से, कभी होगी लड़के की तरफ से, मान लो ये स्टोरी है। अब ये मान लो कोई लड़की अपनी स्टोरी बता रही कि मैं उस रात मेरे साथ ऐसा हुआ या उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप लड़की की वॉइस में यहाँ पर AI वॉइस बनाएंगे। अगर कोई लड़का बता रहा तो लड़के की आवाज़ में, कहीं पर आपको अब ये आवाज़ कहाँ से मिलेगी, तो सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से बहुत सारी आवाज़ मिल रही है, आप इसमें से आप आवाज़ को सेलेक्ट कीजिए, आपको किसकी आवाज़ पसंद आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी आवाजें हैं, सब आवाज को प्ले करें, जैसे इसको प्ले करते हैं, ये आवाज ऐसी है। अभी देखो ये इंग्लिश में हो रहा है ना, लेकिन हम जब अपने टेक्स्ट को कॉपी करेंगे वो हिंदी में ही आएगा। अब यहाँ से जैसे अब हम किसी और के देखते हैं, नीचे को स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखो डेनियल की आवाज गई, देखो ये लड़की की आवाज है। ऐसी आप यहां पर कोई भी आवाज सेलेक्ट कीजिए, पहले सुनिए कौन सी आवाज आपको अच्छी लग रही है। देखो ये हॉरर टाइप की आवाज है, कोई सीक्रेट बात बता रहा है, वहां पर आप इस आवाज को ले सकते हैं।
देखो अलग अलग टाइप की आवाजें आपको मिल जाएंगी, कोई भी आवाज आप ले लीजिए। जैसे हम मान लीजिए हम ये एक एडम की, हमने एडम की आवाज ले ली, उसके बाद हम नीचे को आएंगे और नीचे जनरेट में क्लिक कर देंगे। जनरेट में क्लिक करेंगे ये यहाँ जनरेटिंग स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम भी लेता है, थोड़ी सी देर में ये आपकी आवाज को बना के यहाँ पर रख देगा। क्राइम स्टोरी, अंधे प्यार में पागल महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति को तड़पा तड़पा कर मारा, फिर मासूम बेटे को भी सुला दी थी मौत की नींद। क्राइम स्टोरी अंधे प्यार में कातिल बनी महिला और उसके प्रेमी की कहानी जानकर रूह कांप जाएगी। पति और बेटे की समझ रहे, कितनी देखो कितनी प्यारी आवाज में आ रहा, देखो आप खुद सुनो। कहानी जानकर रूह कांप जाएगी। पति और बेटे की हत्या करने वाली महिला और उसका प्रेमी दोनों जेल में सलाखों के पीछे हैं। अब ये देखो जो AI वॉइस थी, आपने आवाज भी नहीं दी, कुछ नहीं करा, सिर्फ आवाज बन के आ चुकी है। अब आपने क्या करना है देखो, इसके बाद आपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाना है, एप्लीकेशन किसी में जाएंगे, काइन मास्टर, इनशॉट, वीवा वीडियो, किसी में भी जाइए। आप उसमें बैकग्राउंड की इमेज गूगल से निकाल लीजिए, कॉपीराइट फ्री इमेज आपको मिल जाएंगी, बस उनको पीछे अटैच कीजिए और वॉइस ओवर यहाँ चला लीजिए, आपकी वीडियो तैयार है। तो इस कैटेगरी को आप पकड़ते हैं तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत जल्दी आप ग्रो हो सकते हैं। तो वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, यहाँ पर कुछ वीडियोज़ आ रही हैं इनको देखिए बिना मत जाना।